सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, किसी भी प्रकार का कर्जा हो चुका हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अभी तक थी, आगे नहीं होगी, ध्यान से सुनो। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा उपाय बताना जा रहा हूँ जो केवल आप द्वादशी के दिन कर सकते हो, और किसी दिन नहीं, केवल द्वादशी के दिन। ध्यान से सुनना, क्या करना होगा। महीने में दो एकादशी, दो ही द्वादशी आती हैं। एकादशी के दिन सुबह उठो, स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, कोशिश करो कि पीले वस्त्र धारण करें, भगवान के चरणों में पीले फूल पीले फल समर्पित करें, भगवान को भोग लगाओ। आपने व्रत किया हो न किया हो, भगवान की पूजा तो आप कर सकते हो, बाबा श्याम की पूजा करो। उसके बाद पूरा दिन एकांत रहो, अकेले रहने की कोशिश करो, किसी की बुराई सुननी भी नहीं, करनी भी नहीं। रात को बिस्तर में नहीं सोना, आपको नीचे ज़मीन पर सोना है आपको। अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सूर्योदय के बाद भगवान को भोग लगाएं और फिर अपना व्रत खोलें, अपने व्रत का पारण करें। उससे पहले अगर आसपास आपके यहाँ कोई वेद पाठी पंडित हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उन्हें भोजन ग्रहण करवाएं। घर की स्त्रियाँ उन्हें भोजन ग्रहण करवाएं। कोई भिखारी है, गरीब है, मजबूर है, उसे भोजन करवाएं। अगर ये भी नहीं है तो मंदिर में चले जाएं। मंदिर में जाकर पहले व्रत का पारण करें, फिर मंदिर चले जाएं आप भगवान को भोग लगाकर। घर की स्त्रियां जो पुजारी जी हैं, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर जो पुजारी जी हैं, उनको कुछ दक्षिणा दें, कुछ दान करें, और दान करने के बाद उसी समय उन्हीं भगवान के सामने बैठकर कहें कि हमने एकादशी का व्रत किया है या नहीं किया है, जो भी है, आज द्वादशी है, आज के दिन हमने ये दक्षिणा आपके श्री चरणों तक पहुंचाने के लिए पुजारी जी का या पंडित जी का सहारा लिया है, आप इसे स्वीकार करिए। और ये परेशानी है, फिर परेशानी बता दो भगवान को। ऐसा चार एकादशी करो, यानी सिर्फ दो महीने, आगे आपको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। उस दक्षिणा के रूप में चाहे 11 रुपए हों, 51 रुपए हों, 101, 501, 1100, जो भी आपकी समर्थ है, जो भी आपकी योग्यता है, वैसा ही करें, तुरंत प्रभाव से फल मिलेगा। जय श्री।